एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मून स्टार किचन। आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल घर के सामानों से। ना उसमें दही डालना है, ना काजू डालना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल घर के नॉर्मल सामान से ही आपका सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए, इसके लिए मैं कुछ मसाले ली हूँ। लहसुन, अदरक, दो टुकड़ा है छोटा छोटा अदरक का, और एक लहसुन की गांठ थी, और ये प्याज है, और दो टमाटर, दो हरी इलायची, दो से तीन दालचीनी के टुकड़े, और आधा चम्मच काली मिर्च है। इनको मैं पानी में 5 से 7 मिनट तक उबालूंगी। आप चाहे तो इसको तेल में फ्राई करके भी बना सकते हैं। मसाले को तेल में हल्का सा फ्राई कर लीजिए और उसको आप पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसको उबाल के बनाऊँगी। तो देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर का जो ऊपर का स्किन है देखिए वो निकल रहा है। तो मसाला अब हमारा हो चुका है बस, और अब गैस को ऑफ कर देंगे और सारे मसाले को निकाल लेंगे। और मसाला देखिए ठंडा हो चुका है, तो अब जो ऊपर का जो टमाटर का स्किन है उसको निकाल लेंगे और सारे मसाले को पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और अब देखिए पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो पनीर में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, और ये 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी मिर्च, तीखी वाली मिर्च नहीं डाल रही हूँ। और अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए, ये मैं सरसों का ऑयल ली हूँ। आप अगर घी में, बटर में, जिसमें करना चाहते हैं, या रिफाइन ऑयल में, आपकी चॉइस है। तो देखिए, सरसों का ऑयल मैं डाली हूँ कढ़ाई में, और ये गर्म हो चुका है। इसको अच्छे से गरम करना है। अगर आप हल्का गरम करके और इसमें डाल देंगे तो पनीर कढ़ाई में चिपकने लग जाता है। तो देखिए, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको कढ़ाई में डाल करके फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर फ्राई होने के बाद। तो पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। पनीर को भी फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये होममेड पनीर है, आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। और अब मैं इसमें पूरा ऑयल डाल दी हूँ। ये 1/2 कप ऑयल ली थी मैं सब्ज़ी के लिए। और ये देखिए, 1/2 टीस्पून जीरा है, और 1 हरी इलायची है, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, और 2 से 3 लौंग। इनको मैं तेल में डाल दी हूँ, इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो मैंने मसाला पहले बना के रखा था उसको मैं अब इसमें डाल दूँगी। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ ये, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। आप कभी भी इसको झटपट बना लें। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि दही नहीं है तो घी नहीं है, काजू नहीं है तो मटर पनीर कैसे बनाए। आपके घर में जो भी सामान पड़े आप उसमें से आसानी से मटर पनीर की बहुत टेस्टी सब्ज़ी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा, और ये कश्मीरी मिर्च है। कलर इससे बहुत अच्छा आता है, और तीखा ये बहुत कम होता है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो रेगुलर मिर्ची भी डाल सकते हैं जो आपके घर में रखते हैं आप, और अगर आप ये डालना चाहें तो ये भी डाल लें। तो देखिए, मसाला को इसी तरह से ढक देना है सारे मसाले को डाल के, और ये देखिए मसाला को 50% तक कुक कर लेना है। और अब फिर इस स्टेज पे मटर को ऐड कर देंगे मसाले में, ताकि मसाला भी भुनेगा साथ में और मटर भी इसमें अच्छे से कुक हो जाएगा।
तो देखिए मसाला कितना अच्छा भून चुका है, ऑयल देखिए ऊपर आ रहा है और कलर भी आप देख सकते हैं इसका। तो अब इसमें भुना हुआ कसूरी मेथी को डाल देंगे 1/2 टीस्पून और 2 मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे मसाले को। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप जो दूध के ऊपर मलाई जमती है ना, उस मलाई को निकाल लें 2 टेबल स्पून और इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करना है। इस वाले चम्मच से, मैं छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच डाली हूँ, आप इससे 1 चम्मच डालें जिससे मैं मलाई डाल रही हूँ। और मलाई में ही चीनी मिक्स करके अच्छे से उसको, मलाई को भी फेंट लें और चीनी भी मिक्स हो जाएगा। और फिर इसको आप मटर पनीर की सब्ज़ी में ऐड कर दें तो इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब का आएगा। तो इससे क्या, आपको ना तो इसमें कुछ दही ऐड करना है ना काजू पेस्ट ऐड करना है। मैं बोली थी आपको कि बिल्कुल घर के सामान से बनाना, तो देखिए ये मलाई तो हर घर में आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको डाल दें और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो देखिए इसको 5 मिनट तक मलाई को डाल के अच्छे से भून लीजिएगा मसाले को। तो देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है और अब इसमें पनीर को फ्राई करके जो रखे थे अब इसमें मिक्स कर देंगे। और पनीर मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट बिल्कुल इसी तरह पका लेना है ताकि पनीर में भी सारे मसाले का टेस्ट आ जाए। और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं पानी डाल रही हूँ जिसमें मैं मसाले को उबाली थी शुरू में, वही पानी मैं फेंकी नहीं थी फ्रेंड्स। उस पानी को आप चाहें तो इसमें डाल दें क्योंकि उसमें मसाला का पूरा टेस्ट रहता है। और अगर आपको और ज़्यादा पानी ऐड करना है तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं या नॉर्मल पानी आप ऐड कर दीजिए, यह आपकी मर्ज़ी है। और ये थोड़ा सा ऊपर से मैं हरा धनिया डाल दी हूँ और इसको इसी तरह से 5 मिनट तक ढक के पका लें। तो देखिए सब्ज़ी कितना अच्छा बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही मस्त टेस्ट इसका आता है फ्रेंड्स, लगेगा ही नहीं कि आप इसको बिना दही के बनाए हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर कितना